फिर बड़ी छलांग लगाई तो नीना बहन जी आपकी बार आगे आ गई। ऐसे रणधीर गोलन जी भी तीन चार बार बड़ा संघर्ष किया, कई बार पीछे रह गए, आगे रह गए, पीछे रह गए, आगे रह गए, तो ये भी अब की बार छलांग लगा करके वहाँ विधायक बने हैं। फिर इनके एक डिपार्टमेंट दिया और एक डिप्टी मिनिस्टर का इनको अहदा भी दिया। ऐसे फिर क्या है, अपना पुत्र है हरदीप ग्रेवाल, तो ये पहली बार में इन्हें बल्ला फड़ा और पहली बार में मारा सिक्सर दे गया तो बाल ग्राउंड तू बाहर। इधर अपने धर्मपाल जी गोंदर बैठे हैं, वो भी पहली बार ग्राउंड पे आए, पहली बार बल्ला फड़ा तो पहली बार दे मारा सिक्सर बाल ग्राउंड तू बाहर। तो इन्हें ताड़िया बजाओ तो ये बड़ा, मतलब इससे बढ़िया और क्या होगा, मतलब हर गाली थे मैच कर दिए। मैं सुरजीत जी ने तो कहा भाई 40-60 है, 40-60 नहीं है वो 80-20 है, हरियाणा का तो मैं 20% ही है। मेरा टाइम ते जिंदगी का, शिक्षा का, विचार का, साढ़े गुरु दादा गुरु होंदे सी लुधियाना दे लागे पिंड है मोही, इन्नी बड़ी शख्सियत सरदार पटेल ते नाल बिना कोई पहले अपॉइंटमेंट लिए एक कोई बंदा किसी भी टाइम जाके उन्हां दा दरवाजा खड़खड़ा के अंदर गल करन लई जा सकदा सी। उहदा नां सी स्वामी स्वतंत्रानंद, वह साडे दादा गुरु सी, वह मोही पिंड तों सी, सरदार केर सिंह उन्हां दा पहले नां, और पिता आर्मी च बड़े अफसर ते बाद में फकीर हो गए। उन्होंने स्थापना की लाहौर च उपदेशक महाविद्यालय दी, ते पार्टीशन दे थोड़ा एक साल पहले ही सेंस्ड एवरीथिंग, तां फिर पठानकोट अमृतसर रोड ते वो दीनानगर मठ दी स्थापना की, दयानंद मठ दीनानगर। तो उत्थे असी पढ़े, सारियां गल्लां सीखी, ते वो एक गल कहिंदे सी, उन्हां कोल किसी ने पूछा जी सब तू ताकतवर चीज़ है जिहड़ी वो की होंदा है, तो वो महात्मा बुद्ध का एक उदाहरण देंदे सी भाई सबसे ताकतवर चीज़ है वो पत्थर है, ते जे सट बजे तो उत्थे तोड़ देंदा है, हाथ नूं लग जाए तो हाथ नूं तोड़ दे, माथा बजे तो माथा फोड़ दे, ते पत्थर बड़ा सख्त है। बोला पत्थर वध ताकतवर चीज़ केड़ी है, बोला वो लोहा है, वो पत्थर दे भी टोटे टोटे कर देंदा, टुकड़े कर देंदा, उन्हों विचों फाड़ देंदा है पत्थर। लोहा पत्थर से ज़्यादा ताकतवर है, लोहे से ज़्यादा ताकतवर की है, बोला आग है, वो लोहे नूं पिघला के पानी बना देंदी है, उहदा आग लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर है। बोला फिर आग से ज़्यादा ताकतवर क्या है, आग से ज़्यादा ताकतवर है पानी, वो जिथे पै जाए उत्थे आग नूं बुझा देंदा है, ते पानी से ज़्यादा ताकतवर की है, पानी से ज़्यादा ताकतवर है हवा, वो पानी नूं लेके उड़ जाती है, सुखा देंदी है, ते पानी नहीं रहिंदा फिर जब हवा चल पे पूरी तेज हवा चल जाए तो। फिर कहिंदा ते हवा ते ज़्यादा ताकतवर की है, तो बोले हवा ते ज़्यादा ताकतवर है विचार, जेड़ा दुनिया दी हवा नूं भी बदल देंदा है, विचार। विचार जेड़ा है ये सबसे ताकतवर चीज है, सबसे। एज यूर थॉट सो इज यूर विल, एज यूर विल सो इज यूर एक्शन, एज यूर एक्शन सो इज यूर अचीवमेंट, एज यूर अचीवमेंट सो इज यूर डेस्टनी। तो यूर डेस्टनी स्टार्ट्स फ्रॉम वट एवर यू थिंक ऑफ। विचार सबसे बड़ी बात है। मैं सारे भरावां नूं जानदा, सारे अपने बिल्कुल अपने फैमिली मैंबर है, मैं सब नूं नाल बह के तो पूछदा भाई तुसीं जदों इंडिया तों आए क्या था आपके पास, कोई कहिंदा कोई $10, कोई $20, कोई $50, कोई $2। तो वो एक इतना बड़ा आज साम्राज्य देखते हैं। आज हमारा प्यारा चेला शिष्य है अपना जसवंत, जब 2008 में आया सबसे पहला कैंप में आए थे वो वुडबाइन का लगाया, वुडबाइन वेंकट हॉल में। तो इन आदे भरा सी जड़ा उधर इंचार्ज वो रहते थे, तो उन्होंने पूछा जाके ये सुरजीत और दूसरे, बोला भाई थोड़ा ये वेंकट हॉल चाहिए, बोला कि वास्ते, कि बाबा जी वास्ते वो उत्थे शिविर लाएंगे, तो दसो तुसी की लेना है।
बोला बाबा जी की लेंदे हैं लोगों को सिखा, कहते वो तो कुछ नहीं लेंदे, वह तो फ्री है सारा, वो तो फ्री सिखाते हैं, तो कोई दवा भी थोड़ी बहुत दे देंगे, ऐसे किसी को कुछ लेना नहीं। बोला जे तो बाबा जी ने कुछ नहीं लेना तो वैसे थोड़े को लीए। एक सोच है, एक विचार है, नहीं तो वी आर प्रोफेशनल। तो संसार में आप जो चीज आप रात को सोते टाइम, ध्यान रखना मेरी इस बात को, रात को जब आप सोते समय जाते हैं बिस्तर पे, जो आप सोचते सोचते सो जाओगे वही आप बन जाओगे। क्यों? आपने सोचते सोचते अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार डाल दिया, वो सारी रात विचार पकता है पकता है पकता है, वैसे आपको सपने आएंगे, वैसे आपकी लगन हो जाएगी, वैसे आपको साथी मिल जाएंगे। जब तुम रेडियो चलाते हो ना, तो तुम फ्रीक्वेंसी मैच करने लिए तुम ट्यूनिंग कर दे हो, जे ट्यूनिंग हो जाए तो सारा कार्यक्रम तुहाडी रेडियो तो चल पैंदा है। ओ जब ट्यूनिंग होने तो पहले वो सारिया गल्ला उत्थे ही हैं, वो सोंग भी ते गलबात भी सब उत्थे ही हवा च घूम रहा है, कोई किते कोई दूर नहीं है, सब कुछ उत्थे ही है, पर तुहाडा जेड़ा रेडियो सैट है ना, उहदी ट्यूनिंग नहीं हुई उहदे नाल। ते तुसी अपनी ट्यूनिंग जिदा दी तुसी अपनी ट्यूनिंग करोगे तो उही तुसी बन जाना है। अपनी ट्यूनिंग करो, तुसी करोगे जी असी चंगा बंदा बनना है, तो जेड़िया चंगी वाइब्रेशन है, जेड़े चंगी शक्ति है, दैवीय शक्ति है, डिवाइन पावर है, वो सारी तुहाडे नाल जुड़ जाएंगी। तुसी कहो जी मैं तो ये काम करना है, वो की होना है, मैं अकल दी गल, सब तो वध किस अकल किदे कोल है, जेब कतरे कोल, वो तुहाडी जेब कट लेंदा पैसे अंदर, जेब तो अंदरों कट लेंदा, तुहानू पता ही नहीं लगन देंदा। जे आई क्यू की गल करिए, आई क्यू तो जेब कतरे तो वध किदे कोल, आई क्यू वो तो होना ही नहीं, द बेस्ट काइंड ऑफ आई क्यू ही हैज, आई क्यू नहीं है अपने यहाँ, आई क्यू की कीमत नहीं है, आई क्यू मैं गल, राम ते रावण ते आई क्यू किदा तेज सी, रावण दा, ते राम के हम पूजा रावण की नहीं करते, हम राम गुरु ग्रंथ साहब में हजारों बार राम का जिक्र आता है, तो फिर राम की पूजा क्यों करते हैं, रावण की क्यों नहीं? आई क्यू तो रावण का तेज था, पर धर्मात्मा राम था, आई क्यू तो शकुनी से ज्यादा किसके पास था, शकुनी महाभारत में और वो जुआ खेला, तो आई क्यू सबसे बेस्ट तो शकुनी का था, उसने किसी को जुए में जीतने नहीं दिया। तुसी भी किसी चक्कर मार के आते हो, और तो क्या चक्कर क्या मारोगे, तुझे मैं कहा, एक आदमी कहने लगे जी मैं कसीनो तो जीतना चाहता हूँ, मैं तू शकुनी की पूजा करा कर तभी तो जीतेगा। तू तू घर में अपने घर तो तू फोटो लाई है कृष्ण महाराज की, तो तू काम करना चाहता शकुनी के, तो तेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होनी, तो तू अपने रेडियो सेट नू मैच कर, फ्रीक्वेंसी मैच कर ली, और तू फोटो बदल, अपने चित्र बदलता है तो चरित्र बदलता है, चित्र चित्र यदि बदलेगा तो चरित्र बदलेगा। मेरे अपने गुरुकुल में मेरे को सबसे ज्यादा, देखो मैं सिख घर में पैदा नहीं हुआ, पर मैं कहना मैं गुरु दा सच्चा सिख। क्या गुरु नानक देव जी महाराज ने ओनली 3 सेंटेंस इस सारी सिखी समेट दी, और वो 3 वाक्य जेड़े ने वो मेरे आदर्श हैं। क्या? नाम जपो। पहला काम है किसी भी बंदे दा, खाली मेरा नहीं कि मैं सन्यासी हूं, किसी भी बंदे दा जेड़ा पहला काम है उदा ना लेना जिन्हें सां दीते, अखां दीती। मैं अजकल मुंडिया नू ते असे साडे न्याणे हैं तो वो कहंदे हैं जी मैं उन्नू प्यार करदा, मैं उन्नू प्यार करदा। मैंने कहा क्यों क्यों तुम उन्होंने प्यार, कहते जी उसकी अखा बड़ी चंगी है, और मैंने कहा फिर अखा नाल जदि प्यार है तो अखा तो तेरे माँ प्यो ने दी है तेनू, तो फिर उदे कोलो वध तो तेरा माँ प्यो नाल प्यार होना चाहिए। तो शरीर परमेश्वर ने हमें क्या नहीं दिया भगवान ने। रात को एक आदमी बोला, नास्तिक हो ना, आजकल एक परंपरा चली है, आई बिलीव नो रिलीजन। मैंने कहा इट्स द ओनली रिलीजन यू बिलीव,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਔਰ ਬਿਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਐਗਰੀ ਔਨ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦ ਕੇਸ ਇਜ ਗੋਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਦੇ ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਗੜਾ ਝਗੜਾ ਸਭ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਬ੍ਰੈਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਥ ਕਮਸ ਟੂ ਯੂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਸੋ ਡੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਗੋਡ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤੂੰ ਡੂ ਯੂ ਟੇਕ ਬ੍ਰੈਥ ਔਰ ਬ੍ਰੈਥ ਕਮਸ ਟੂ ਯੂ ਤੋ ਬੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਾਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਟੇਕ ਬ੍ਰੈਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕੇ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨੀਂਦਰ ਤੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗੋਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਕੌਣ ਲੈ ਰਿਹਾ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ 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 ਬ੍ਰੈਥ ਕਮਸ ਟੂ ਮੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੂ ਮੇਕਸ ਦਾ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਬਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਦਿਸ ਵੇ ਤੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜਿਟ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਐਗਜਿਟ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਐਗਜਿਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਧਰਮ ਉਹ ਉਸਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੋਂ ਅਫੀਮ ਹੈ ਅਫੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਆਪਕੋ ਯਦੀ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੋ ਧਰਮ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਹੈ ਵਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੜ ਪਏ ਆਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਕੀ ਉਸਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੜੀਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਗੱਡੀ ਗਈ ਬਾੜ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਲੜਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੜ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਲੀਜੀਏ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜੀਏ ਜੈਸੇ ਗਾੜੀ ਕੋ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੇਲ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੋ ਵਿਚਾਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਮਨੀ ਡਜੰਟ ਮੈਟਰ ਮਨੀ ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਿਊਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡਾਲਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸ ਇਜ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਫਾਰ ਯੂਅਰ ਮਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਥਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਚਨ 'ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਪੇਟ ਤੇਰਾ ਅਕਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ
पैसे खरीद के ले आए हो तुसी जूते, फिर भी वह अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने उत्थे थां नहीं है। तो तुसी सारिया थां ते जे पैसे नहीं रखोगे तो फिर रिलेशन, प्यार, मोहब्बत, ब्रदरहुड, भाईचारा, सभ्याचार, संस्कृति ये कितने जाओगी? प्लीज प्लेस द मनी इन इट्स ओन प्लेस, डोंट प्लेस इट इन एवरी प्लेस। हर थां ते मत रखो इनू, न्याणे वास्ते भी टाइम रखो। मेरा प्यारा चेला है सिद्धू, कितने गया सिद्धू? आ सिद्धू, मैं उन्होंने पूछा नौकरी क्यों छड़ दी? न्याणा वास्ते। लोकी कहंदे हैं वो तू काम क्यों करता है? न्याणा वास्ते। वो तू ए क्यों करता? न्याणा वास्ते। वो ए क्यों करता? न्याणा वास्ते। वो न्याणे कित्थे है? वो सुते पे है। वो कुत्ते नूं लेके पार्क च टुरदा फिरदा है। वो कुत्ता आपे टुर लेगा, तू कमलिया न्याणे नूं फड के लिया है। वो कुत्ते नाल धक्का करता है, भाई आ जा आ जा। मैं एक दिन पूछा तू कुत्ते नूं क्यों लेके आंदा? कहता इहो तो साडी गल मंदा है, वो जिहड़ा कुत्ता घर बैठा वो तो साडी गल ही नहीं मंदा। सबका बहुत धन्यवाद। आप ये हमारे दो हीरो हैं आज के, खड़े हो जाइए जी। ये हमारे मतलब आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं सारा का नाम, मैं सब का नाम जानता हूँ, तो मैं सबके घर गया हूँ, आप में से सबके साथ बैठ के खाना खाया है। अभी चार दिन पहले मैं भाई का नाम जसवंत है ना, सतनाम, सतनाम के घर गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, मैं सतनाम के घर गया, एक घंटे में हमारा ऐसा रिलेशन बन गया जैसे हम एक दूसरे को कई जन्म से जानते हैं। हमारे संजय गांधी जी वो बैठे हैं, हयात, हयात मतलब जिंदगी। पहली बार उनको मिला मैं अपनी जिंदगी में, पहली बार मिलके ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितने दिन से जानता हूँ। जसवंत को मैं 2008 में पहली बार मिला। ही हैड सो मैनी टाइम्स, हार्ड टाइम, गुड टाइम, बेटर टाइम, वर्स्ट टाइम, बेस्ट टाइम, पर जसवंत नहीं कदे बदला, जसवंत ऐसे ही रहा। आज मैं इनका, मैं इन विधायक दोनों को आज मैं इसका एम्परर दिखा करके लाया हूँ। ये बोलते हैं ये जद्दी खानदानी इतने वो धनी है के, मैंने कहा नहीं, यहाँ जद्दी कोई नहीं है, यहाँ जिसका विचार एक जगह चल गया तो विचार के साथ ऊपर हो गया। आप ऊपर की मुंह करके चलो सीढ़ियों पे, ऊपर चढ़ जाओगे। आप अपनी दिशा बदल लो, नीचे की तरफ सीढ़ियों पे चलो तो नीचे उतर जाओगे। यू हैव टू टर्न यूर बैक, कुछ नहीं करना, तुसे घूम जाओ, उधर मुंह हो जाएगा तो ऊपर चढ़ जाएंगे, इधर मुंह हो जाएगा तो नीचे। द लैडर इज सेम, ओए कुएं ते थल्ले ले जांदी है, ओए छत ते उत्ते ले जांदी है। तो सीखण दी गल क्या है, हाउ टू यूज द लैडर। इसको उत्ते चढ़न वास्ते तुसी प्रयोग में लाना है या थल्ले कुएं च जान वास्ते प्रयोग। लैडर सेम है, तुसी गड्डी है तुहाडी चंगे नाल चलाओ ते डेस्टिनेशन ते ले जांदी है, नियम का पालन करके चंगे नाल तुसी गड्डी चलाओ वो तो ले जाओगी डेस्टिनेशन, और जे चंगे नाल नहीं चलाओ तो फिर ले जाओगी क्रिमेशन। गड्डी तो ये है, योर डेस्टिनेशन आर बोथ, इट इज अप टू यू, ऑल ऑफ यू। तो मैं आप सब लोगों को बहुत मेरे शुभ आशीर्वाद। मैं इतने यहाँ लगभग, मैं थोड़ा US जाना बीच में 3-4 वीक लई, एक दिन एक वीक वैंकूवर थे, एक एडमिंटन, बाकी ज़्यादा टाइम मैं इतने लाना है। थोड़ा और अपने जो यहाँ बच्चे आए हैं, न्याणे आए हैं, माँ बोली तू मतलब अपनी संस्कृति, सभ्याचार, संस्कार अपने, उनके वास्ते भी ऐसी की करिए। ये जो न्याणे नहीं हो तो फिर क्या प्रॉपर्टी का करेंगे, क्या इन पैसे का करेंगे? अपनी भाषा, वेशभूषा, संस्कृति, अपने विचार, सेवा, परोपकार, ये सारा बच्चों को सिखाना है, उसके लिए भी थोड़ा विचार कर रहे हैं। फिर एक बार आप हमारे इन दोनों, आप इनको नहीं जानते, ये इनको, आप ये आपको नहीं जानते, फिर भी आप इनके लिए आए, ये आपके लिए आए। ये भारत है, इट्स अवर ग्रेट कल्चर, यही हमारा प्यार है, यही हमारा मोहब्बत है, और ये बनी रहे। मैं बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मैनी मैनी ब्लेसिंग्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। साल का भी जल्द पै जाता है। साड़ी ये बेनती है कि असी अपने कंट्री दे नाल जुड़ना चाहते हैं।
धन्यवाद अपने कंट्री के लोग जिहड़े सिटीजन बन गए ना उन्होंने सिटीजनशिप भी उत्थों दिती हुई है उन्होंने को डबल सिटीजनशिप है। साढ़े बहुत सारे लोग अपने बुढ़ापे के उत्थे जाना चाहते हैं अपने वतन के नाल जुड़ना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दान करना चाहते उपर और इतने जगदीश जी बैठे है नाथ साहब अजैन बहुत सारे लोग हर साल जाके टूरनामेंट करवाते हैं अपने मंदिर गुरुद्वार दान देंगे है। सो असी चाहते हैं कि तुम जाके साड़ी इन्नी कि जरूर गल रखियो कि साडे कनेडियन भरावान 10 साल का वीज़ा इंडिया जाने वास्ते मिल जाए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तुहाडी जिहड़ी बेनती नूं प्रवान कर सकती है। मैं थैंक यू करदा और मैं तुहानूं बेनती करदा कि तुसीं बिजी स्कैड्यूल च आए हो दलाल साहब तुहाडे दरम्यान होणगे मैं दलाल साहब नूं बेनती करदा कि स्टेज पर आउण ते दो शब्द तुहाडे लई कहण। सो जय प्रकाश दलाल जी आदरणीय स्वामी जी और मेरे हरियाणा पंजाब के कनाडा में जो बसे हुए मेरे भाई सारे प्रबुद्ध नागरिक मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे भाई जो यहाँ आए हैं अच्छा उन्होंने प्रगति की है देश का नाम रोशन किया है देश का मान सम्मान बढ़ाया है ये देख करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा देश भी अब बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पहले पहले आप जाते थे आपको एयरपोर्ट पे उतरते ही थोड़ा सा हमारी जो सरकारी सिस्टम था दिक्कत होती थी कस्टम की क्लीन्स की सिक्योरिटी की। आप देख रहे हैं कि अब जो दिल्ली का हवाई अड्डा है चंडीगढ़ का हवाई अड्डा है सुविधाएं हैं धीरे धीरे अच्छी कर रहे हैं हाईवेज अच्छे बन रहे हैं मेट्रो का काम चल रहा है ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ बढ़ रही हैं बिजली की सुविधाएँ बढ़ रही हैं किसानों को सुविधाएँ दे रहे हैं। देश बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है और इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे तेज गति से क्योंकि इकोनॉमी को जीडीपी बढ़ रही है वो भारत की है। मैं कहता हूं कि आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले जो संकट आया था कोरोना का दुनिया के विकसित देश ये देखते थे कि भाई इस संकट से भारत जो है पार नहीं पा पाएगा इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ की ना उनके पास इतने संसाधन होंगे ना पैसा होगा महंगी वैक्सीन कौन देगा। लेकिन आज हमारा सामर्थ्य जो है हमारे वैज्ञानिक हमारे लोग हमारे बच्चे जो उन्होंने तरक्की करके तुरंत वैक्सीन का इजाद किया और एक हमारी जो मिलजुल के रहने की परंपरा है दुनिया से अनूठी है किस तरह से हमने लंगर चलाए गुरुद्वारों में और धर्मशालाओं में समाज ने किसी को भूखा नहीं रहने दिया। हमारे खासकर हरियाणा पंजाब के अंदर हमारे भाई आते हैं काम करने के लिए बिहार से उत्तर प्रदेश से उनको ऐसी ऐसी घटनाएं देखते हैं कि किसान अपनी गाड़ी में बैठ करके उसके घर तक छोड़ के आया है। तो ये जो परंपरा हमारी है और उसी का परिणाम है कि आप देखेंगे 200 करोड़ लोग वैक्सीन की डोज लग चुकी है बीमारी में जितना लोगों को अपेक्षाएं थी मैं कहता हूं कि हमने सब लोगों ने मिलकर के सरकार ने और सामाजिक संस्थाओं ने और लोगों ने अच्छा प्रबंधन किया है। हमारे से अमेरिका का कनाडा का जो प्रबंधन उतना बेहतर नहीं रहा जितना हमारा हिंदुस्तान का है। तो ये एक बदलते हुए भारत की तस्वीर है। हमें अब ये दुनिया को अपने देश के बारे में बताने की ज़रूरत है। आप यहाँ गोरों में रहते हैं लोकल में रहते हैं बताइए इनके अंदर एक मानसिक वो बैठा हुआ है कि भारत सपेरों का देश है पुराना ख्यालों का देश है तरक्की नहीं है। उनको बताइए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है भारत के अंदर सबसे बड़े बुद्धिजीवी हैं विद्वान हैं नासा के अंदर साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा भारत के हैं अमेरिका के अंदर डॉक्टर सबसे ज़्यादा वो हैं हमारे कनाडा के अंदर आप देखिए जो भारतवासियों की अलग से जीडीपी इनकम देखेंगे तो कनाडा वालों से दुगनी निकलेगी।
आप थोड़े से दिन हुए, 20-15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से है, आम इनकम से आप लोगों ने अच्छा किया हुआ है, ये मेरी जानकारी में है। तो मेहनत करते हैं, बुद्धिमान हैं, और आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि अपने देश के बारे में यहाँ के लोगों की मानसिकता है वो करें, आगे बढ़, हम तेज गति से बढ़ रहा है हमारा देश, और आने वाला जो वक्त है वो भारत का है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के बारे में भी बताइए कि दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा है, साथ में हमारे एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ उत्तर प्रदेश लगता है, हिमाचल है, पंजाब है, और हरियाणा में कोई काम करना चाहता है तो बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। हमने अलग अलग पॉलिसीज बनाई है कि हिसार के अंदर हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट उसमें होगी। जो एरोस्पेस पॉलिसी बनाई है, डिफेंस की पॉलिसी, भी एयरलाइन से संबंधित को मैन्युफैक्चरिंग करें तो उसको ज़मीन सस्ती देते हैं, बिजली का बिल कम करते हैं, GST पे छूट देते हैं। यहाँ पर हम दिल्ली की तरफ जो एक KMP बना है उसमें आधा UP से और आधा हरियाणा से जाता है। इसके ऊपर आज से 20-30 साल पहले जिस तरह से गुड़गांव का विकास हुआ था, एक मारुति आई थी, इसी तरह खरखोदा के अंदर 3,000 एकड़ में अब नया इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं हम, मारुति अब वहाँ आ जाएगी, नई यूनिट वहाँ लगा रहे हैं और छोटी छोटी इंडस्ट्री वहाँ लगेंगी, बड़ा ज़बरदस्त विकास होगा। हरियाणा से दिल्ली से निकल के एक हाईवे जम्मू के अमृतसर को सीधा एक रोड और नया निकाल दिया, बनना शुरू एक दो साल में चालू वो पूरा हो जाएगा। एक रोड तो है ही जो वाया अमृतसर श्रीनगर जम्मू को अलग से सड़क जाएगी, बिल्कुल ग्रीन फील्ड नया प्रोजेक्ट है जमीन एक्वायर करके। तो अब हाईवेज का जाल बिछाया जा रहा है, इसी तरह से और जितनी भी सुविधाएं किसी इंडस्ट्रीज को देते हैं, डाटा सेंटर की हमने पॉलिसी बनाई है कि डाटा आजकल बड़ा भारी बिजनेस होने जा रहा है, दुनिया का सब कुछ इंटरनेट से काम चलता है, तो डाटा वेयर हाउस वहाँ बने हुए हैं, तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, आप लोग भी कर सकते हैं, इन फैक्ट्री में आइए, IT की सर्विसेज का कोई काम करना है वो करिए। और खेती बाड़ी का प्रदेश तो है ही हरियाणा पंजाब, मैं समझता हूँ कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी, सब्जी और फलों की मंडी हम हरियाणा में बनाने जा रहे हैं, गन्नौर में, पंजाब में जाते हैं जो हाईवे है NH10 पुराना जिसको बोलते थे, 1 था या 10 था क्या बोलते थे उसको जी, 1 था, तो निकलते ही वहाँ 550 एकड़ में 7-8 हज़ार करोड़ की लागत से एक ऐसी मंडी बनेगी जो फ्रांस की एक मंडी है उसकी नकल पे, सारे फैसिलिटीज सारे देश की, उस तरह की मंडी बनाने का एक परिकल्पना है जिस तरह से हॉलैंड में फूलों की मंडी है, अमेरिका से फूल वहाँ बिकने जाते हैं, ग्राहक भी वहाँ जाता है। मैं एक बार पूछने लगा भी ये क्या चक्कर है, अमेरिका से फूल यहाँ आता है, ग्राहक भी वहीं से आता है, कहता जी मार्केट है यहाँ, वैरायटी इतनी मिलती है, जिस मंडी में जो आ जाएगा जो चाहेगा उसको मिलेगा। तो इस तरह की मंडी हम एक वहाँ गन्नौर में बना रहे हैं कि सारे देश की फल फूल सब्जी जो चीज़ें हैं उसमें मिले, वहाँ से एक्सपोर्ट हो, ट्रेन आउट हो, तो बहुत सारा काम देश में चल रहा है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह जब भी आप हरियाणा में आओ, चंडीगढ़ में आइए, कोई प्रपोजल आपकी है आपकी मदद करेंगे, सरकारी तौर पर करना चाहें तो वो करें, ना भाईचारे में करना चाहें तो भाईचारे में भी आपकी मदद करेंगे, खूब तरक्की करें, हमारे भाई सब फले फूले, और कोशिश करो कि हमारे जो लोग हैं बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हो उनका शिक्षा दीक्षा में और में व्यापार में, वो आगे बढ़े और हरियाणा की और भारत की संस्कृति को आप आगे बढ़ा रहे हो। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।